उज्जैन के गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले शहाबुद्दीन उर्फ बबला का बेगम बाग में स्थित दूसरा मकान भी निगम की रिमूवल टीम ने बुधवार को तोड़ दिया। बबला का ये दूसरा मकान था। पहला मकान गरीब नवाज कॉलोनी में था, जिसे कुछ दिन पहले ही गिराया गया था। बबला के भाई अयाजुद्दीन ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया है। अयाजुद्दीन का आरोप है कि भाई बबला के चक्कर में पुलिस प्रशासन हम लोगों के मकान तोड़ रहा है। करीब 7 दिन पहले पुलिस ने गरीब नवाज कॉलोनी में शहाबुद्दीन उर्फ बबला का मकान तोड़ा था। आरोप था कि उस पर 15 से ज्यादा केस है। वह क्षेत्र का आदतन बदमाश है। हालांकि पिछले 7 साल में उस पर कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ है। अयाजुद्दीन ने कहा कि बेगम बाग का मकान उनका है, इसे उन्होंने रतलाम की इश्तियाक बी से खरीदा था। इस मकान को जबरन तोड़ दिया गया, अपराध भाई ने किया तो हमारा मकान क्यों तोड़ा जा रहा है। मामला आज ये हुआ कि हमारे को कुछ न सूचना दी न खबर दी इन्होंने, हमारा मकान तोड़ने के लिए आ गई है। नगर निगम के पास जाओ तो प्रशासन का बोलते हैं, प्रशासन के पास जाओ तो नगर निगम बोलते हैं। अब बस वो मेरे भाई के नाम से लेना, आज मेरा मकान तोड़ गया है। ना कुछ नोटिस दिया, ना कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। बस आए कहने, नहीं हम तो तोड़ेंगे भाई मकान। कहने भैया बताओ, कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं बता रहा वो। कहने बबला का मकान है, जब बबला का ना, हम तो दो भी अलग अलग रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं हमारे भाई से भी। मैं तो मेरा अलग रहता हूँ उस चीज़ के लिए भी। और भी कोई आपके बेन वगैरह के मकान? हमारे जो बेन के मकान है, बेन का मकान का भी नोटिस देगा है। एक हमारी वालदा का मकान है जो बरसों पुराना है, 40-45 साल पुराना मकान है, वो भी देखे, उसका भी नोटिस देकर चलेगा वो। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो कुछ नहीं करते हैं, बस आप गुंडे बदमाश हो तो गुंडा बदमाश हमारा भाई है, वो भी करता था। उसको उस केस को भी खत्म हुए, कम से कम आज से 20-22 साल हो चुके हैं। 20-22 साल पहले करता था वो। 2001 में उनके केस चल रहे थे, करता था वो। आपको केस भी नहीं है, सब में बरी हैं वो भी। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।